बल्कि बाद आपका स्वागत है। प्रोग्राम के शुरुआत में हमने एक सवाल पूछा था कि क्या रिफाइनरी का इस्तेमाल दोनों पार्टियों ने राजनीति के लिए किया है। फेसबुक पर, ट्विटर पर, हमारी वेबसाइट पर जो रिएक्शन आए वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। और ये रिएक्शन कहती है 68% जनता कहती है कि हाँ, रिफाइनरी का इस्तेमाल दोनों पार्टियों ने राजनीति के लिए किया है। और 32% जनता कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं है। और सच्चाई ये भी कि इनमें वो लोग भी शामिल है जो कहते हैं कि उनको ना राजनीति की जानकारी और ना रिफाइनरी के मुद्दे से वो अपडेट है। मानजन खंडेला जी, सर ये तो अलार्मी स्टेज है, क्योंकि अगर 68% जनता ये मान ले कि रिफाइनरी का मुद्दा दोनों पार्टियों ने सियासत के लिए इस्तेमाल किया है, तो फिर उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप शिलान्यास कर रहे हैं या कार्य शुभारंभ कर रहे हैं। सर नहीं पड़ता बिल्कुल, मैं बार बार यही तो पूरे प्रोग्राम में यही कह रहे थे, फर्क तब पड़ेगा जब वो वास्तव में इनेक्टमेंट में हो जाएगी, और वो होगी नहीं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, चाहे कुछ भी कर लें, क्यों अभी बात ये हो रही थी आपने मेमोरेंडम और अंडरस्टैंडिंग करी है वो 6 महीने के लिए होगी, अब मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसी नहीं है वैसी है, आप क्या कर लोगे मेरा, आप 4 साल के बाद। जी आप कह रहे हैं कि यहाँ पर एमओयू की जगह एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट इतना शोध किया गया, संशोधन किया गया, 4 साल का इंतजार किया गया। सर मैं उसके आगे कह रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, सो उसके लिए ठीक है। शीलता भाई जी, एक एमओयू कांग्रेस ने बनाया, आप लोगों ने उस पर हजारों सवाल उठाए, फिर एक एमओयू बना दिया गया 4 साल के बाद, कॉन्ट्रैक्ट करते अगर इतनी रिसर्च की थी और वाकई में आपको लगता था कि जिन शर्तों के साथ अब एचपीसीएल काम करने के लिए तैयार है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ना, मैम जनता को भरोसा होता। नहीं देखिए, जनता को अब भी भरोसा है, क्योंकि मैं बता रही हूँ, देखिए जो एमओयू किया गया है वो बिल्कुल जिस तरह से राज्य, मतलब राज्य के हितों को ध्यान में रख के किया गया, पूर्ववर्ती सरकार ने राज्य के हितों को अनदेखी करते हुए आर्थिक विश्लेषण किए। मैम अगर ये बात 2014 के शुरुआत में कही होती तो शायद मान लेते कि 4 साल आपकी सरकार है, 4 साल में पूरा काम करके दिखा देंगे। अब कैसे माने लोकतांत्रिक तरीके से? नहीं नहीं, 1 साल यहाँ पर सरकार है, 4 साल का भरोसा कौन देगा? अगर वही एमओयू जैसे कि कांग्रेस ने किया, बीजेपी के साथ अंडरस्टैंडिंग बैठी नहीं, अब बीजेपी कर रही है, कांग्रेस के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठी, नहीं रिफाइनरी कैसे आई? नहीं देखिए, इन्होंने तो बेसलेस था इनका, इनकी वो भी यही कहेंगे, जमीन इनकी, वो भी यही कहेंगे, यकीन मानिए कर दिया ना। और सुन लेते हैं, यही सुन लेते हैं, आजाद जी आपको बेस के साथ हुआ एमओयू लग रहा है, यही सुन लेते हैं। कागजों में जमीन तक आपके पास में नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। बहुत सारी शर्तें पहले से तय हो गई थी और काफी शर्तों को शीघ्र ही पूरा करने का वायदा एमओयू में दिया गया था। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से शील भाई दवाई जी से भी, प्रधानमंत्री जी से भी और मुख्यमंत्री जी से भी हाथ जोड़कर यही विनती है कि आप आओ, आपका स्वागत है, मगर इसी तरह का कोई और प्रोजेक्ट लाकर अगर उसका कार्य शुभारंभ या शिलान्यास कर लेते तो राजस्थान की जनता आपको बहुत धन्यवाद। एक शब्द में पूरा जवाब दीजिएगा सर, मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है। आजाद जी जी, क्या कार्य शुभारंभ और शिलान्यास ये एक शब्द हो? बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, ये भ्रम और भ्रांति जैसे ये फैलाते हैं वैसे दोनों एक बात होती है, बिल्कुल एक बात है, मैंने आपको बता दिया। मिश्रा जी आपके हिसाब से सर दोनों एक बातें होती हैं? हम घर बनाते हैं, पहला पत्थर रख देते हैं वो कार्य शुभारंभ है, वही शिलान्यास है और वही इस बात का विश्वास है कि यहां घर बनेगा। दूसरे के घर में जाके शिलान्यास करते हैं, आपका मालिकाना हक नहीं है तो ये कौन सा हुआ, ये क्या इसको शिलान्यास कहेंगे आप? आप बाड़मेर को दूसरा घर कहते हैं? मैं दोनों को इस तरीके से समझ रहा हूँ कि पहले उन्होंने मानसिक रूप से सोचा था कि हम ऐसा करेंगे तो उसका शिलान्यास कर दिया, और कार्य शुभारंभ यह है कि यथार्थ रूप में वहाँ पे काम शुरू हो गया तो उसका लेकिन मिश्रा जी की तरफ से एक लाइन मैं कह देता हूँ, मिश्रा जी ना कांग्रेस की तरफ है ना बीजेपी की तरफ। मानचंद खंडेला जी, क्या दोनों शब्द एक होते हैं? 101%। अब सुन लीजिए, यानी मकान पर पत्थर गड्ढी करी, वो रखा प्लीज, पंडित जी को बुलाया, ये दिए चार डाला, और अगर दूसरे दिन कारीगर नहीं आया, अरे काय हो गो यार, काय बीच में बाधा पड़ेगी, बदला लागी, इट मींस व्हाट कि जैसे जिस मोमेंट पे आपने ईंट और सीमेंट डलाई मतलब काम प्रारंभ हो गया, और अगर नहीं करते हैं तो उसमें बदला लगती है। बदला का मतलब 4 साल में नक्षत्र बदल गए सर, नए पंडित की जरूरत है। देखिए अब वो बात अलग है, तो मैं तो कह रहा हूं, अब फिर जब आप नक्षत्र फिर बदलेंगे, अगर यही काम करते रहे
तो जो ना 17 में फिर 18 में फिर नक्शस्तर बदलेंगे और फिर क्या होगा, एमओयू होगा? कुछ नहीं बदलेगा, कांग्रेस को हमने नहीं करना, फिर मैं कह रहा हूं आपसे, कह रहे हैं ना हम बहुत या नहीं सरकार बोल रही है, मान लो जी कह रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे कि कार्य शुभारंभ हो या शिलान्यास हो, कम से कम रिफाइनरी पूरे तरीके से वर्किंग हो, जनता को फायदा हो, प्रत्यक्ष तौर पर चाहे शिल्दा भाई जी के मुताबिक 45,000 रोजगार मिले, मिश्रा जी के और मानचंद जी के मुताबिक 1,000 रोजगार मिले, जितने भी मिले कम से कम रिफाइनरी काम करना शुरू करे, क्योंकि अप्रत्यक्ष तौर पर इसमें कोई किंतु परंतु नहीं कि हजारों की संख्या में या हो सकता है कह सकते हैं लाखों की संख्या में रोजगार उससे जुड़ने की संभावनाएं पूरे तरीके से है।